I'm Raj. Today we are finally doing a reaction to a Keri Manati video. Homeless sexist ghost. We got so many requests to do one of his videos. I think ever since we started doing BBE Wines, we were told to do Keri Manati. And the only reason we didn't do it for that long, only because we went to his page, we saw one of his videos, and I didn't really get the concept. He was playing video game, and we couldn't really see him, so we didn't know, like, what to expect. We didn't know exactly, like, how to watch this kind of video. Like, I didn't really, like, get the concept, like he said, or really, like, enjoy it in comparison to when I watched BBQ Vines, right? It was relatable. Mm-hmm. So we're going to give it a shot. We're gonna watch this one because a lot of people told us to watch this one. Yes. So we randomly picked this one. So we're going to watch it. If we liked it, we'll love to do more. And if we don't, then we probably won't do it. Probably won't do it. Right. So we really hope you guys understand. Really want to continue doing reactions to things that we get a good vibe from, that we enjoy watching. I mean, that's the whole point of doing it. Not just for the sake of just doing a reaction. Without wasting more time, let's watch it. I know you guys are looking really forward to it. I really hope we like it. I hope we enjoy it. I really hope we enjoy it too. So let's watch it. Homeless, sexist. देश का एक आम नागरिक हूँ और ये मेरी कहानी है। इस बड़े से शहर की छोटी सड़कों पे अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हुआ मैं चला जा रहा था कि अचानक एक मर्दाना औरत मेरा पीछा करने लगी। मैं चुपचाप बिना कुछ कहे चलता रहा। फिर मेरे सामने एक और मर्दाना औरत अपने औजार के साथ सामने आई। औजार के साथ जैसे जैसे उनके कदम मेरी ओर बढ़ रहे थे, मेरी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। How bad are they acting? ये पास लगी नहीं पिया। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ। अट बहनचोद मेरे साथ प्रैंक करेगा, आ तुझे बनाऊं प्रैंकस्टर। भागे आते हैं तो कैसे हम लोग? आज हम लोग वापस प्रैंक्स की दुनिया में घुसेंगे। मुझे पता है इन लोगों से मैं बहुत सारा यूट्यूब मनी कमा चुका हूँ। यूट्यूब मनी। लेकिन पता नहीं ये लोग कैसे हमेशा हर बार 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 लगातार नए नए आविष्कार मेरे सामने पटक ही देते हैं, जिनसे मैं मुंह फेर नहीं सकता। आज ना तो मैं चुम्मा चाटे की बात करूंगा, ना ही मम्मी डैडी की। आज मैं रोशनी डालने जा रहा हूं। So I think these are real clips that he shows with his own like dialogue. Yeah. गरीब तो यार सुरूर बिठाते हैं बिना किसी बकचोदी के। दिल में मेरे है डरते डिस्को, डरते डिस्को, डरते डिस्को। तुम लोग मानो ना मानो, ये सारे डरावने प्रैंक्स एक जैसे होते हैं, आधे परसेंट का अंतर नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है भाई सेम लोग तीन चार वीडियोस में डरने डराने का खेल खेल रहे हैं। अब इन सब का रूप एक जैसा होता है और इतना मस्ताना होता है कि भैया संजय दत्त तक शर्मा जाए। सब लोग वही 12-13 रुपए वाली विग पहनेंगे जो मिट्टी से इतनी गंदी तरह लिपटी होती है कि अरे भैया एक बार पहन लो तो पूरी जिंदगी के लिए बाल बर्बाद। उसके बाद गरीबों वाले सफेद रंग के कपड़े जैसे कि साड़ी, कुर्ता और कुछ नहीं मिला तो चादर पहन ली। इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि सारे भूत औरतें होती हैं और वो भी विधवा? मर्द भूत नहीं हो सकते? नहीं, क्या दिक्कत, क्या सेटिंग नहीं बैठती तुम्हारी मर्द भूत में? चल यार समझ में आता है औरत ज्यादा डरावनी लगती है, लेकिन तुम्हें ये किसने कह दिया कि सारे भूत बेघर होते हैं? मैं 20-30 वीडियोस देख चुका हूँ और एक में भी भूत घर के अंदर नहीं है। सारे भूत सड़कों पे गेड़ियां मार रहे हैं, घूम रहे हैं, फुदक रहे हैं, गहरे नशे में कोने में पड़े हुए हैं, सड़क के बीच में लेटे हुए हैं। और ये सबसे पहली बात है कि चढ़ा कैसे, और ये बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, खड़ा हुआ है, क्या पोजीशन क्या है इसकी, और तीसरी बात ये यहाँ से उतरेगा कैसे? अच्छा ठीक है, पाप है जिंदगी, जहर है कि प्यार है तेरा चूमा। इस दुनिया में ना हर तरह के लोग हैं, कुछ अजीब, कुछ गरीब और कुछ चूतिया, ज्यादातर चूतिया। हर किसी का इस प्रैंक पे अलग अलग रिएक्शन होता है। कुछ लोगों की इतनी गंदी फट जाती है कि ऐसा लगता है अभी दिल मुंह से बाहर आ जाएगा। This is actually a prank on YouTube. Yeah, they're pranks on YouTube, like actual videos. Dangal 2. अब कुछ लोग के रिएक्शन इस बात का सबूत देते हैं कि उन्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। सबसे पहले हम आ जाते हैं उन लोगों पे जिन्हें थोड़ा लेट समझ में आता है कि भैया ये भूत है और हमें इससे डरना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं प्यार से ट्यूबलाइट बुलाता हूँ।
बैठी हो साल हो गए इसे चलते चलते अभी तक भूत दिखाई नहीं दिया इसे पूरी दुनिया में क्या चल रहा है इसे कुछ होश नहीं है ये अपने सुनहरे ख्यालों में खो रखा है मीरा मेरी होगी है कृष्णा की ये तो कल थम फाइट में ही पता चलेगा ओ भूत डर जाता हूँ दूसरे नंबर पे आ जाते हैं वो लोग जो जानबूझ के अपने सवारी भूतों के पास रोकते हैं इसे क्या रुकने की लोड़ है क्यों रोकी चूतड़ की जगह होता ना तो चाहे भूत पिल्लों की तरह रोता रहे या फिर पीठ पे बूटी का नाच दे मैं नहीं रोकूंगा अब आ जाते हैं मुंबाइकर्स पे हाँ मैं चाहता हूँ तुम लोग इनकी जगह पे आके देखो समझो इनका दर्द सोचो तुम लोग एक नाइट राइडर बाइक राइडर हो और रात की ठंडी ठंडी हवाओं में अपनी बाइक की सवारी कर रहे हो फिर अचानक तुम्हारे सामने एक भूत आता है जिसने पतंजलि हर्बल गांजा मार रखा है अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं पहला उस भूत पे अपनी बाइक चढ़ा दो मार दो साले को जान ले लो उसकी या फिर दूसरा बाइक की रेस खींचो और 2 सेकंड में पार आओ देखते हैं इस बाइक राइडर ने कौन सा रास्ता चुना तेरे दिमाग में कितने छेद है तेरी ज्यादा रफ्तार है तेरी बाइक काटने वाली ये बात है ये इस बकचोदी में अकेला नहीं है सबका यही हाल है The song in the background. From Raz, right? No. It's an old 90s film. Vijaypath. Vijaypath? Vijaypath. चाड़ियाँ जो हर गए। ऐसे प्रैंक्स की वजह से मानव विकास बस एक सपना बन के रह गया है और क्या हो रहा है इस देश के लोगों को रात को विधवा औरत का रूप लेके बच्चों को डरा रहे हैं यार पैसा लोगों से क्या क्या नहीं कराता जितने भी लोग ये प्रैंक करते हैं या फिर करने वाले हैं मैं तुम लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ देखो इस दुनिया में ना लोगों का कुछ भरोसा नहीं है तुम किसी बंदे को धप्पा करने जा रहे हो और पता चला उसके पास कट्टा या बंदूक है जल्दी जल्दी में तुम्हें पता नहीं चलेगा गोली कब तुम्हारे शरीर के आर पार हो गई तो इसलिए भैया थोड़ा देख के करो ना ही करो तो बेहतर है तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो एम करते हैं 60,000 लाइक्स के लिए और जो लोग कहते ना करियर लाइक्स की भीख मत मांगना अच्छा नहीं लगता है एक बार मेरी बात सुनो तुमसे पैसे मांग रहा हूँ मैं नहीं तुमसे पत्थर तोड़वा रहा हूँ मैं नहीं तो क्या दिक्कत है करने में तुम्हारे शरीर के कौन से हिस्से की मेहनत लग रही है ना मुझे उससे कुछ मिलता है ना तुम्हें बस मेरे दिल को अच्छा लगता है यार बस खुशी होती है अंदर से इसलिए कर दो यार और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है ना उसके साथ तुम लोग गेड़िया मारो या फिर घेरे नशे करके कोने में पड़े रहो मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब चलो यार मैं भी जा रहा हूँ मुझे बदसूरत औरत का रूप लेके बच्चों को डराना है बाय वो है क्या रणविजय नई फिल्म निकाल रहा अरे यार उसके जूता फेंक दे मार तू व्हाट डू यू थिंक I actually enjoyed it. It's a different concept. Doing a mockery of like real videos that I have that are they're on YouTube, right? And obviously, those are fake videos. Yeah, those are like fake videos. Like scare videos. Like he knows it. Obviously, he knows that he's making fun of them. It's so funny. His dialogue in the back is funny, and I can get the whole visual of playing the video game. You're really drawn into that, right? To just see. So it's a good idea to grasp like everyone's like attention when he's saying the story. Plus the way he speaks and everything too, it really gets your attention. It does. Like I thought I was about to hear a really scary story, so I was like so tuned in, and it ended up being that Mardani. That was hilarious. And also when he played that old song, that was hilarious. I think I really enjoyed it. We may want to do it again. Yeah. So do let us know which other video of his is very good. Yes. Maybe we'll give it a watch. Also, like, sorry, it took us really long time to do it, and we were getting so many requests. I know. And we almost like felt bad. I was like, you know, let's give it a watch. Yeah, like we really wanted to give it a try, but as mentioned before, it didn't work out the first time. But this time I really enjoyed it. I think maybe I clicked on the wrong video. Maybe we don't know what happened. We don't know what happened, but we really enjoyed it, and really thanks to you guys. Would you guys like for us to continue to do more reactions to Gary Monty's videos? If you do, then please send the best ones that you guys enjoy. Mm-hmm. If you like this video, give it a thumbs up, subscribe to our channel, follow social media. Keep sending your requests, guys. Okay, take care. Bye.